तो कैसे भाइयों, नहीं नहीं नहीं, ये वीडियो हमारे भाइयों के लिए नहीं, ये वीडियो है हमारी बहनों के लिए, वुमेन्स गर्ल्स के लिए। आप भी बहुत सोच रहे हो यार, ये लड़का क्या हर बार मेल के ऊपर वीडियो बना, सिग्मा मेल, बीटा मेल, गामा मेल, ये सब। लेकिन आज वीडियो है हमारी वुमेन्स गर्ल्स के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो भाई है जो लॉन्डे वीडियो ना देखे, आप देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो मेल एंड फीमेल अल्फा बीटा गामा सबका हो गया ऑलमोस्ट सेम ट्रेड सेम होते, तो आप भी वीडियोस देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मेनली आज फोकस किया जाता है गर्ल वुमेन के ऊपर। तो बात करेंगे कि आज का वीडियो है अपने डेल्टा फीमेल के ऊपर, कि डेल्टा फीमेल क्या है। और आपको बता देता हूँ कि भाई मैक्सिमम लड़कियों को ये लगता है कि भाई सिग्मा फीमेल्स के कुछ साइन मेरे मैच करते हैं, बट कुछ साइन थोड़े अलग है। तो उनको मैं समझा देता हूँ कि भाई जो डेल्टा फीमेल और सिग्मा फीमेल है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, बट डिफरेंस रहता है। मैं आपको बता दूँ, उनके साइंस वगैरह थोड़े सेम रहते हैं। अगर आपके सभी साइन सिग्मा फीमेल से मैच नहीं होते तो आप शायद डेल्टा फीमेल हो सकती हो। तो आज हम बात करेंगे चार पांच साइन डेल्टा फीमेल के बारे में, और अगर ये चार पांच साइन आपसे मैच हो रहे हैं तो सावधान अलर्ट हो जाइए, क्योंकि कहीं आप भी डेल्टा फीमेल नहीं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, आपका एक मिनट भी बर्बाद नहीं होगा इधर। किस बात के जरिए डायरेक्ट बढ़ते हो वीडियो की ओर। तो अब थोड़ा जान लेते हैं कि भाई ये डेल्टा फीमेल है क्या। तो थोड़ी थियोरेटिक नॉलेज आपको, साइंटिफिक नॉलेज देते हैं कि जो अपनी डेल्टा फीमेल है ये सोशल हायरार्की में थर्ड पोजीशन पे आती है। अब आपको पता है फर्स्ट है अल्फा, देन बीटा, देन डेल्टा फीमेल। तो वो आपने जान लिया। अब डायरेक्ट बढ़ते हैं चार पांच साइन के ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे, और ध्यान से समझना, हर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट कर लो यार, और नोट कर लो कि अगर ये पाँचों साइन या फिर चारों साइन आपके अंदर है तो सावधान हो जाना, क्योंकि आप डेल्टा फीमेल हो सकती हो। तो किस बात की देरी, डायरेक्ट बढ़ते हैं पहली साइन की ओर, एंड दैट इज अलूफ, सेपरेटेड, यूनिक, डिफरेंट, अवे, फार, वॉट एवर आप समझ लो। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब है अलग, यूनिक। अब जो अपनी ये डेल्टा फीमेल होती है ये अलग रहना पसंद करती है। अब आपने देखा होगा स्कूल्स, कॉलेजेस में, पार्टीज में, कहीं पे भी, कि एक ग्रुप होता है जहाँ सभी लड़कियाँ खड़ी है, बट एक लड़की वो ग्रुप में नहीं रहना चाहती, वो कहीं अकेले जाके खड़ी हो जाएगी, खुद की कंपनी इंजॉय करेगी। वो चाहे मोबाइल देख रही है या फिर कुछ सोच रही है या फिर किसी से बात नहीं कर रही है, कुछ और काम कर रही है, बट वो अलग रहेगी, उसको ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद नहीं है, वो अलग थोड़ी कंफर्टेबल रहेगी, अलग दिखती है। तो अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि भाई आपको भी ऐसा होता है कि कई पार्टीज, फंक्शन में, कॉलेजेस में भी गए हो आप, और उधर आप ग्रुप से ज़्यादा खुद के ऊपर टाइम थोड़ा देना चाहते हो, खुद को थोड़ा जानना चाहते हो, थोड़ा अलग रहते हो, और आप कंफर्टेबल नहीं रहते मतलब सभी लोगों के साथ, और थोड़ा अलग रहना चाहते हो, थोड़ा खुद को टाइम देना चाहते हो, तो आप समझ जाओ कि आप डेल्टा फीमेल के साइन है और आप एक डेल्टा फीमेल हो सकते हो। अब बढ़ते हैं दूसरी साइन की ओर, एंड दैट इज शी डजंट केयर वेदर शी बिलोंग्स टू क्राउड और नॉट। अब इसका मतलब क्या, अब जो अपनी डेल्टा फीमेल को फर्क नहीं पड़ता कि वो अगर ग्रुप में है या फिर नहीं है, समझ पा रहे हो? नहीं, मुझे पता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई एक ऐसी लड़की होती है जो मतलब अगर ग्रुप में है वो हमेशा ग्रुप में रहती है, थोड़ा अलग रहती है, अलग कर दी उसको या फिर उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया तो वो कंफर्टेबल नहीं रहती यार, वो सोचेगी यार मेरा ग्रुप मुझे, मेरा ग्रुप से अलग मैं कैसे रह सकती हूँ, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं रहती, वो उसको हमेशा ग्रुप के अंदर ही रहना है, उसका जो भी फ्रेंड सर्कल हो गया पाँच छः लोग। बट यार डेल्टा फीमेल थोड़ी अलग होती है, वो अगर ग्रुप में है तो भी कंफर्टेबल है, एंजॉय कंपनी करेगी, सबके मजा लेगी, बट अगर वो अलग भी है तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई हाँ बस मेरे को ग्रुप ही चाहिए, अगर ग्रुप में रहूँगी तो मैं खुश रह पाऊँगी, तो एंजॉय करूँगी, नहीं तो नहीं। हाँ, ग्रुप में है तो भी एंजॉय करेगी, ना है तो भी एंजॉय करेगी, ये है डेल्टा फीमेल्स का। ये अगर आपके अंदर साइन है कि भाई हाँ आपको भी ग्रुप में रहे तो भी फ़र्क ना पड़े और ना रहे तो भी फ़र्क ना पड़े, तो आप अलर्ट हो जाइए, आप डेल्टा फीमेल हो सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे साइन की ओर, एंड दैट इज लॉन्ली। अब ये क्वालिटी थोड़ी हो गई अलग। अब जो ये डेल्टा फीमेल्स है ये थोड़ी मेच्योर है या फिर क्या है भाई मुझे पता नहीं, लेकिन ये लॉन्ली रहती है, ये कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाती है अपने फ्यूचर के बारे में यार, अपने गोल के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, मतलब जो करीबी है बहुत दिल के उनका, दूसरों का तो ये फ़र्क भी नहीं पड़ता उनको, बट उनके सब बारे में सोच सोच के वो लॉन्ली फील करने लग जाती है। अब ऐसा नहीं कि उसको डिप्रेशन हो गया या फिर कोई स्ट्रेस में, नहीं, बट वो थोड़ा अकेलापन फील करेगी, कहीं अकेले भी चेयर पर बैठ जाएगी या फिर कहीं भी बाहर चले जाएगी एंड सोचती रहेगी, वो ग्रुप में या फिर किसी से बात कर रही है तो उसका माइंड कुछ और सोच रहा है, एंड वो खुद के बारे में भी बहुत सोचती है कि मैं आगे कैसे करूँ, क्या ना करूँ, और इतना ओवर थिंकिंग करने लग जाती है, इतना ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लग जाती है कि उसको लॉन्ली फील होता है, अकेला, तब उसको लगता है कि यार मैं अकेली क्या। बट वो इसका एक साइन है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है,
और उसकी वजह से वो हार्ड वर्क और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देगी अपने गोल के ऊपर और उसकी वजह से वो सक्सेसफुल भी बन जाएगी. बिकॉज यू नो द पर्सन हु गिव्स हिज टाइम ऑन हिज गोल्स इन हार्ड वर्क दे विल गोइंग टू सक्सीड. और अगर ये सब क्वालिटीज ये सब साइन आपके अंदर है तो भाई समझ जाओ क्या आप डेल्टा फीमेल हो सकती हो. अब बढ़ते हैं फोर्थ साइन या फिर ट्रेड के ऊपर एंड दैट इज दे आर वेरी सेल्फ अवेयर. अब इसका मतलब क्या, अब सेल्फ अवेयर का मतलब ये नहीं कि मतलब अपने आसपास क्या चल रहा है उसका तो उसको अवेयरनेस रहता ही है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या सराउंडिंग है उसका, वो क्या राइट सराउंडिंग में है या फिर नहीं. बट वो खुद को लेके बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेयर होती है. उसके जो थॉट्स होंगे वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा सेल्फ अवेयर. ऐसा नहीं कि गधों की तरह मतलब कुछ भी करने लग जाएगी, नहीं, वो सोचेगी समझेगी क्या करना है क्या नहीं करना, डिसीजन लेगी, खुद के डिसीजन लेगी एंड उसके ऊपर फिर एक्शन लेगी. और अब बढ़ते हैं आखिरी साइन की ओर एंड दैट इज असर्टिव. अब इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब ये कि ये अफर्मेशन करती है, ये कॉन्शियसली अवेयर रहती है, ये कॉन्शियसली बिलीव बनाती है. अरे भाई भाई सीधी भाषा में समझा, हाँ हाँ यार समझ गया. अब इसका मतलब ये कि भाई ये अफर्म करती है, मतलब खुद के थॉट्स को लेके समझती है, हमेशा कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलते ही रहते हैं, कुछ सोचती रहेगी और ये खुद से कंपनी इंजॉय करती है. इसको लगता है कि भाई मुझे खुद से बात करना जरूरी है, ये खुद से बात करेगी. अब लोग समझते हैं कि भाई जो खुद से बात करते हैं वो पागल है, बट लो अगर ये पागलपंद है तो इसे वो पागलपंद करना है, सीधा सा बात है. ये खुद से बात करते करते इंजॉय करेगी, यार खुद को एक फ्रेंड बना लिया इसने, ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप लोग, इस लड़की ने खुद को ही फ्रेंड बना लिया. मतलब वो इमेजिन करेगी कि उसको आगे करना क्या है, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके ड्रीम्स के बारे में वो अफर्म करेगी कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होगा, ये करना है, इमेजिनेशन कंप्लीट रहेगा उसके दिमाग में. तो ये होता है. अब ज़्यादा इस पॉइंट को खींचने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि क्या है ये. और अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट बनता है एंड दैट इज वो दूसरों के डिसीजन से ज़्यादा खुद के डिसीजन लेना पसंद करती है. ऐसे रहते हैं लोग कि भाई जो सामने वाला बोलेगा वही मैं करूँगा, हाँ अगर मेरा डिसीजन रॉन्ग हो सकता है और उसका राइट तो वो फॉलो करूँगा. बट कुछ भी समझो, ये डेल्टा फीमेल होती है, मतलब दूसरे के पॉइंट सुनेगी समझेगी बट डिसीजन खुद का लेना वो पसंद करेगी, तभी उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है. चाहे वो रॉन्ग हो राइट हो वो देखा जाएगा आगे, वो मेंटालिटी रखती है बट वो खुद के डिसीजन लेना पसंद करती है. ये बोनस पॉइंट हो गया. आप मुझे ये बताइए, अगर ये सब पॉइंट्स आपके अंदर है, ये सब साइंस ट्रेड आपके अंदर है, तो नीचे जो कोई कमेंट बॉक्स होगा उधर जाके बताइए कि भाई सर भाई वगैरह जो भी यार कुछ भी बोलना है बोलो, हमारे अंदर ये सब पॉइंट्स हैं, हम एक डेल्टा फीमेल है. तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी होगी एंड वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताना है. और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे फीमेल स्ट्रेट के ऊपर भी हमने वीडियो बना के रखा है, तो एक बार आपको वो जाके जरूर देखना चाहिए. और अगर अच्छा लगे तो फिर कमेंट वगैरह कर देना, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी मर्जी है, और नहीं कभी मैंने पूछा करने के लिए और नहीं कभी पूछूंगा. तो बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. दैट्स इट. जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय. जय हिंद, जय जवान.